Good morning, students. Today in our English class, we are here with English 2, chapter number 8, that is Pandora's Box. Now, once we will see, जब हमें हमें कोई बताता है कि ये चीज नहीं करनी है तो वो चीज हमें करने का बहुत मन करता है. सभी के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही. बट वेन यू आर आस्क्ड नॉट टू डू, यू विल फील दैट यू हैव टू डू और यू मस्ट डू. दैट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी. सो दिस इज द चैप्टर. ये चैप्टर जो है वो एक ग्रीक माइथ, माइथ मतलब मान्यता जो होती है उसके ऊपर डिपेंड है ये पूरा चैप्टर. इस चैप्टर में दिखाया जाता है कि एविल्स और बुराई जो है वो कैसे दुनिया में आई. पहले के जमाने में बुराई नहीं थी, तो वो बुराई जो है वो दुनिया में कैसे आई, ये इस चैप्टर में स्टोरी दी गई है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. चैप्टर नंबर 8, पैंडोरास बॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वंस गो थ्रू द वर्ड मीनिंग्स ऑन पेज नंबर 56. चेस्ट, इट मीन्स अ लॉन्ग लार्ज स्ट्रॉन्ग बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स. क्रैम्ड, इट मीन्स फिल्ड विथ थिंग्स और पीपल, पैक्ड, कुछ चीजों से भरा हुआ या तो इंसानों से भरा हुआ. डिस्पेयर, अ फीलिंग ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ होप, बहुत ही ज्यादा उम्मीद होना. एरंड, अ जॉब दैट इन्वॉल्व्स गोइंग समवेयर टू डिलीवर और टेक समथिंग, कुछ देने के लिए या तो वहां से कुछ लेने के लिए जो जॉब करता है, जैसे हम अभी बोलते हैं ना डिलीवरी बॉय, ऐसा. फ्लटर्ड, मूव लाइटली एंड क्विकली, जल्दी से भाग जाना या तो चले जाना. फॉरबिडन, नॉट अलाउड टू डू समथिंग, कुछ करने से मना करना. ग्लीमिंग, शाइनिंग ब्राइटली, जोर से चमकना, बहुत ही ज्यादा चमकना. ग्रम्बल्ड, कंप्लेंट इन अ बैड टेम्पर्ड मैनर, बहुत ही खराब तरीके से गुस्सा करना और कंप्लेन करना. हेल्ड, लिफ्ट और पुल समथिंग वेरी हैवी विथ वन ग्रेट एफर्ट, बहुत ही जोर लगा के उठाना. इंसिस्टेड, डिमांडेड दैट समबडी एग्री टू डू समथिंग, किसी भी वस्तु पे या तो किसी भी को इंसिस्ट करना, उसको ज्यादा बोलना कि ये करना है, ये करना है, इंसिस्ट करना. पिटीफुल, कॉजिंग वन टू फील सिंपथी फॉर समथिंग, दया दिखाना. प्लीडेड, आस्क समबडी फॉर समथिंग इन अ स्ट्रांग एंड सीरियस मैनर, बहुत ही स्ट्रांगली या सीरियस होके कुछ भी पूछना. रिग्रेट, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस ओवर वॉट हैज हैपन, जो हुआ है उसके लिए बहुत ही दुखी होना. श्रग्ड, रेज शोल्डर्स एंड ड्रॉप टू शो दैट वन डिड नॉट नो अबाउट समथिंग, शोल्डर्स, सिर्फ शोल्डर्स को हिला के मना करना कि आपको नहीं पता है. स्लैम्ड, शट विथ अ लॉट ऑफ फोर्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, जब कभी आपको गुस्सा आता है तो कभी कभी दरवाजा पटक देते हो ना आप, that is slammed. Shocked, cried noisily taking sudden sharp breath, बहुत ही जोर से रोना, बड़े बड़े सांस लेके बाद में रोना. Strode, walked with long steps in a particular direction, एक ही direction में बड़े बड़े steps लेके चलना, मतलब जल्दी से वहां से चले जाना. Swam, a large group, बहुत ही बड़ा group. Tending, टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत ही ध्यान रखना. वेल, टू क्राई बिकॉज वन इज सैड और इन पेन, कोई दुखी है या तो तकलीफ में है उसके लिए रोना. वॉर्न आउट, लुकिंग और फीलिंग वेरी टायर्ड, बहुत ही थक जाना. यील्ड, शाउटेड लाउडली बिकॉज ऑफ बीइंग एंग्री, फ्राइटेंड और इन पेन, या तो आपको को बहुत गुस्सा है, या तो आप डरे हुए हो, या तो दर्द में जोरों से चिल्लाना, दैट इज यील्ड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द
chapter. We often do things which we are warned not to do. जो चीज हमें मना की जाती है कि ये चीज नहीं करनी है, वही हमें करने का बहुत मन करता है. Here is a story of a person who does just the opposite of what is supposed to be done. यहाँ पे एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसको मना किया गया है कि ये नहीं करना, फिर भी वो करता है. Now let's see अब आगे स्टोरी में क्या होगा. When the world was first created, it was happy place of light and laughter. जब वर्ल्ड पूरा क्रिएट हुआ था तब वो बहुत ही हसीन जगह थी, बहुत ही खुशनुमा जगह थी, पूरी लाइट से और खुशियों से भरी हुई, उम्मीदों से भरी हुई थी. There was no such things as sadness or pain. पहले उदासी और दर्द कहीं नहीं था. The sun shone every day and the gods came down from heaven to walk and talk with the humans who lived on the earth. सूरज जो है वो सुबह उगता और भगवान जो है वो नीचे आते, हेवन से नीचे चलते, बातें करते ह्यूमन से, जो ह्यूमंस जो है वो जो इंसान है जो धरती पे रहते थे. One afternoon, a man called Epimetheus and his wife Pandora were outside tending to their flower garden when they saw God Mercury approaching. एक afternoon, एक दोपहर को Epimetheus एक आदमी का नाम है, Epimetheus और उसकी वाइफ Pandora, वो है, वो अपने फूलों का ध्यान रख रही थी गार्डन में. तभी उन्होंने देखा गॉड मर्क्यूरी अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब वहां पे आना. ही वॉज बोट डाउन बाई अ डार्क वुडन चेस्ट दैट ही वॉज कैरिंग ऑन हिज शोल्डर एंड ही लुक्ड हॉट एंड टायर्ड. उनके पास एक वुडन लकड़ी का बहुत ही बड़ा बक्सा था जो उन्होंने अपने शोल्डर पे पकड़ा हुआ था और वो बहुत ही थक गए थे, थके हुए लग रहे थे. Pandora rushed to get the worn out god a cool drink while Epimetheus helped him lower the chest onto the ground. It was tied with golden cords. Pandora जो है वो जल्दी से उनके पास गई और Epimetheus ने वो जो बड़ा बक्सा था वो नीचे उतारने में उनकी मदद की और वो एक गोल्डन कॉर्ड्स मतलब जो रस्सी होती है, गोल्डन रस्सी से पूरा बंधा हुआ था. माई फ्रेंड्स, वुड यू डू मी अ ग्रेट फेवर, साइंड मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जो थे ये वाले जो मतलब गॉड मर्क्यूरी, उन्होंने इन दोनों को बोला कि क्या आप मेरी फेवर कर सकते हो, मतलब या क्या आप मुझे मदद कर सकते हो. It is so hot today and the box is very heavy. May I leave it here while I go on an errand? क्या मैं ये बॉक्स यहाँ पे रख सकता हूँ क्योंकि आज बहुत ही धूप है और मैं बहुत ही थक गया हूँ. मुझे एक काम के लिए या तो errand, it means एक चीज़ दूसरी जगह पे देने के लिए जाना है, तो क्या ये बॉक्स मैं यहाँ रखे जा सकता हूँ. Of course you can, smiled Epimetheus. Epimetheus ने बोला हाँ हाँ, मुस्कुरा के जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप रख सकते हो. Epimetheus and the god heaved the chest indoors. Epimetheus और गॉड ने जो वो पूरा बक्सा था वो उठा के बहुत ही ग्रेट एफर्ट से अंदर रखा. Then Mercury said, no one under any circumstances must open the बॉक्स. सर्कमस्टांसेस मतलब किसी भी हालत में, मर्क्यूरी ने बोला किसी भी हालत में किसी को भी ये बक्सा खोलने नहीं देना, ये बॉक्स खोलने नहीं देना. डोंट वरी, लाफ्ड Epimetheus एंड Pandora एंड दे वेव्ड द गॉड ऑफ थ्रू द ट्रीज. और उन्होंने गॉड को जाने दिया. ऑल ऑफ सडन Pandora स्टॉप्ड स्टिल एंड फ्राउंड. लिसन Epimetheus, she said in a low voice, I am sure I heard someone whispering our names. तुरंत ही Pandora ने थम गई वो और उसने Epimetheus को बोला बहुत ही धीरे से कि सुनो, अंदर से कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही है. whispering मतलब धीरे से बोलना.
कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही है, वो हमारा नाम ले रहे हैं। एपिमेथियस एंड पेंडोरा लिसन्ड हार्ड, उन्होंने बहुत ही ध्यान से सुना। एट फर्स्ट दे हर्ड नथिंग, पहले उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। देन दे हर्ड द डिस्टेंस साउंड ऑफ एपिमेथियस पेंडोरा बीइंग कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड। उसके बाद उनको लगा कि बाहर से कोई उनको बुला रहा है। इट्स अवर फ्रेंड्स, क्राइड एपिमेथियस हैप्पीली, बट पेंडोरा लुक्ड पजल्ड। एपिमेथियस ने बोला, ये हमारे फ्रेंड्स है, हमें बाहर से बुला रहे, अंदर से कोई नहीं बुला रहा। पर पेंडोरा थी वो बहुत ही पजल्ड थी, मतलब उसको उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। नो एपिमेथियस, दोज आरंट द वॉइस आई हर्ड, शी सेड फर्मली। नहीं, वो बाहर से आ रही आवाज नहीं है। फर्मली मतलब वो कंफर्म थी कि ये अंदर की आवाज है। दे मस्ट हैव बीन, एपिमेथियस लाफ्ड, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं वो वही है। कम ऑन नाउ लेट्स गो एंड सी एवरीवन, चलो हम जाते हैं और उनको देख के आते हैं। यू गो, पेंडोरा इंसिस्टेड, आई वुड रेदर स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। पेंडोरा ने उसको जोर दिया कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं पे रहूंगी। एपिमेथियस श्रग्ड एंड श्रोड आउटसाइड, उसने अपने शोल्डर्स को उठाया और मना किया, और धीरे से वो लंबे लंबे स्टेप्स लेके वहां से चला गया। एज सून एज ही वॉज गॉन, पेंडोरा हरीड ओवर टू द स्ट्रेंज चेस्ट एंड वेटेड। जैसे ही एपिमेथियस बाहर गया, पेंडोरा वो बक्से के पास आई और ठहर गई वहां पे। आफ्टर ओनली अ फ्यू सेकेंड्स She heard it again, distant voices calling Pandora, Pandora. थोड़ी देर बाद ही उसने वापस से कोई उसको बुला रहा है ऐसी आवाज सुनी। The voices were so low that Pandora wasn't sure whether she was really hearing them or was just imagining. आवाज इतनी कम थी कि पेंडोरा पता नहीं लगा सकती थी कि सच में कोई बुला रहा है या सिर्फ ये उसकी इमेजिनेशन है, क्या या तो ये सिर्फ सोच रही है कि कोई मुझे बुला रहा है। She bent down closer and put her ear to the lead. वो नीचे बैठी और अपने कान को बक्से के पास लीड के आगे, लीड मतलब ढक्कन के आगे लेके सुना। No, this time she was sure. नहीं, इस बार तो वो पक्का श्योर थी। The chest was calling to her. Chest में से आवाज आ रही थी। Pandora, the voices pleaded. अंदर से जो आवाजें आ रही थी वो help मांग रही थी, strong and serious manner. Let us out, Pandora. We are trapped here in the darkness. Please help us to escape. पेंडोरा, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम यहाँ पे अंधेरे में कैद हैं। पेंडोरा जंप्ड बैक विथ अ स्टार्ट, वो तुरंत ही पीछे हो गई। गॉड मर्क्यूरी हैज एक्सप्रेसली फॉरबिडन देम और एनीवन एल्स टू ओपन द चेस्ट। बहुत ही जोर देके उन्होंने मना किया है कि ये बॉक्स को नहीं खोलना। द वॉइसेस साउंडेड वेरी सैड एंड पिटीफुल, और जो आवाजें आ रही थी वो बहुत ही पिटीफुल मतलब दया वाली थी, जैसे कोई मुश्किल में था। पेंडोरा कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, हरीडली शी क्नेट डाउन एंड वर्कड एट द टाइट गोल्डन नॉट्स। ऑल एट टाइम द विस्परिंग एंड प्लीडिंग वॉइस फिल हर इयर्स। एट लास्ट द नोट्स वेर अंडन एंड द ग्लीमिंग को gleaming cords fell away. She took a deep breath and opened the lead. उसने बहुत ही कोशिश करी और अंत में उसने फैसला कर लिया कि अब ये मैं खोलूंगी, और बहुत ही आसान तरीके से उसने बहुत ही जोर लगा के ये खोल दिया। Now students, next remaining part we will see in the second part. This is the first part, second part also I will be sending, will be continuing.